स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर मेरा आपका 2 है। और आज का हमारा मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल में फर्क क्या था। इससे पहले कि मैं फर्क की तरफ चले हम लोग, मैं इस लेफ्ट राइट साइड के ऊपर एक कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसके वो स्टडी करेंगे, उसके बाद इस डिफरेंस पे आएंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हमने बात की थी मैक्स प्लैंक की, जिसने क्वांटम थ्योरी पेश की थी। तो बेटा मैं आपको एक वाजे करना चाहता हूँ कि मैक्स प्लैंक जो था ये जर्मन फिजिस्ट था बेटा ये, और इसने क्वांटम थ्योरी पेश की जिसके अंदर इक्वेशन लिखी थी डेल्टा इज इक्वल टू एच वी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई होता है बेटा, और इसको नोबेल प्राइज दिया गया 1918 के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि क्वांटम का मतलब क्या होता है। हमने पीछे भी स्टडी किया था कि क्वांटम नहीं होता है फिक्स एनर्जी लेवल, मखसूस एनर्जी की मिकदार। अब ये क्वांटम की डिफाइन क्या लिखी हुई है, गौर कीजिएगा ये राइट कॉर्नर के ऊपर, इट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड एंड अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज नोन एज क्वांटम। कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में खारिज या जज्ब होती है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है लोअर से हायर या हायर से लोअर, उस दौरान जो एनर्जी की मिकदार खारिज या जज्ब होती है उसको हम क्वांटम कहते हैं। चूंकि वो फिक्स शेल के अंदर काम हो रहा होता है तो इसलिए उसे उसको फिक्स एनर्जी यानी क्वांटम का नाम देते हैं। और बेटा क्वांटा जो है वो क्वांटम का प्लूरल है, कि अगर मैं वर्ड क्वांटा बोलूंगा तो वो जमा के फॉर्म में बोलूंगा, और अगर मैं क्वांटम बोलूंगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में बोलूंगा। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक, दैट इज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर की एटॉमिक थ्योरी में फर्क। बेटा पहला डिफरेंस, जो रदरफोर्ड था इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद जो है, जो बेस है वो क्लासिकल थ्योरी पे थी। क्लासिकल थ्योरी मीन सोलर सिस्टम, लाइक आपने देखा होगा कि एक सन होता है उसके एक बाकी प्लैनेट्स एंड अर्थ वगैरह जो है वो मूव करते हैं, इसने उस बुनियाद पर अपनी थ्योरी पेश की। जबकि बोहर ने एटॉमिक थ्योरी जो पेश की उसकी बेस क्या थी, क्वांटम थ्योरी थी, और क्वांटम थ्योरी किसने पेश की, मैक्स प्लैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोहर ने जो अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की उसकी बुनियाद जो थी वो एनर्जी की फिक्स्ड मिकदार थी। सेकेंड डिफरेंस, वो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लाइक इस तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे घूमते हैं, उनका डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, नो आइडिया। जस्ट ऐसे सोलर सिस्टम की बात की थी कि भाई ये एक सन है और इसके गिर्द क्या होने बाकी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें बोहर एटॉमिक थ्योरी की, तो बोहर ने बात की थी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस ऑर्बिट वाले शेल में घूमते हैं। दूसरे लफ्जों के अंदर कि हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन मखसूस ऑर्बिट में घूमते हैं, लाइक दैट इलेक्ट्रॉन घूमते। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट, रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में कोई तस्वर पेश नहीं किया, मदार के बारे में कोई तस्वर पेश नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे कैसे घूमने से कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते। जबकि बोहर ने ऑर्बिट हैज एंगुलर मोमेंटम, बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमते हैं हर ऑर्बिट का फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा कि अगर मैं ए शेल की बात कर रहा हूं, एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन उसका मैस एम है, चार्ज उसके माइनस है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर यहां पे मूव करेगा सेकंड टाइम इसकी पोजीशन यहां पे होगी, थर्ड टाइम इसकी पोजीशन यहां पे होगी, एंड फोर्थ टाइम इसकी पोजीशन यहां पे होगी, तो न्यूक्लियस से वो शेल के दरमियान जो फासला है उसको हम आर कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या पता, एम वी आर इक्विवेलेंट टू एन एच ओवर 2 पाई। तो हर पे फिक्स है, पहले आगे का और होगा, दूसरे का और होगा, तीसरे का और होगा, चौथे का और होगा। नेक्स्ट बेटा, रदरफोर्ड के मुताबिक एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मुसलसल स्पेक्ट्रम है, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च करते हैं तो जब हम उसमें एक्सरे का स्पेक्ट्रम निकालते हैं कितनी सारी लाइन शो होती है, ये रदरफोर्ड के मुताबिक था।
लेकिन जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम एटम का निकाला गया बहुत ही बताते जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से निकाला गया तो एटम हैज लाइन स्पेक्ट्रम। एटम में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है न्यूक्लियस के तो एनर्जी खारिज नहीं करता जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। बेटा लास्ट पॉइंट, एटम शुड कोलाइड रदरफोर्ड के मुताबिक इस तरह के एटम को फना हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, बट बोहर के मुताबिक एटम अपना वजूद बरकरार रखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बेटा ये जो क्वेश्चन काज ने किया है ये मेरा बेटा 4 मार्क्स का लॉन्गेस्ट आता है और बेटा 2 मार्क्स के शॉर्ट में डिफरेंस भी आती है। अब बेटा हम अपने लेफ्ट कॉर्नर पे आते हैं जिसमें शेल के बारे में लिखा गया है और हमने पढ़ा था कि हमारे उसमें 4 शेल है जिसमें एक बेटा के एल एम एम और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2HCl है और इलेक्ट्रॉन की बात में लिखी है कि में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं, एम में 32 आते हैं। अब बेटा एक जरा बात सोचिएगा और समझिएगा पूरा गौर से कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये मैंने 4 शेल बनाए तो याद रखिएगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड होता है बेटा इसको हम न्यूक्लियस चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, ये समझिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पे इसका जो होल्ड है उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो मैंने पहले शेल को देखा लिखा लोएस्ट एनर्जी शेल, मीन क्या कि इसके न्यूक्लियस का होल्ड न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है और जैसे जैसे शेल पीछे तरफ जा रहे हैं एल शेल पे कम है, एन शेल पे, एम शेल पे और कम है, एन शेल सबसे कम है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि के लोएस्ट एनर्जी शेल इस पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है और एन पे सबसे कम है तो ये क्या है हायर एनर्जी शेल है। तो बेटा एक इक्वेशन बनाइए कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी शेल का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इट मीन उसका डिस्टेंस कम होगा और अगर किसी का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस पर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इट मीन वो हायर एनर्जी वाला शेल होगा। बेटा ये आपने इसको इस तरह याद करना है और याद करने के बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके रहमत फरमाए।